मुश्किल से कोई विवाद नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है कि वहां जो देखने आया है वो ये समझता है कि मैं एहसान कर रहा हूं पेशेंट पे, और उस पेशेंट को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए झगड़ा किससे करता है? डॉक्टर से। पेशेंट्स को कोई लेना देना नहीं है साहब, पेशेंट्स के लिए तो भगवान है, जो डॉक्टर उसको दवाई दे रहा है, जो उसका जीवन बचा रहा है। और उसको ये विश्वास भी यही होता है कि साहब ये डॉक्टर अगर है तो मेरा जीवन बचेगा। तो जिस व्यक्ति के प्रति जीवन बचाने के प्रति का सिद्धांत जो विश्वास है, अगर उसके प्रति अगर हम सम्मान प्रकट नहीं करें तो एक तरीके से ये गलत होगा। तो जी 24 लाख को दीक्षित भाई से बात हो रही थी, हमने कहा कि देखिए अहमदाबाद और गुजरात तो सारे देश में जाना जाता है। सब मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ इसलिए जानता हूँ कि राजस्थान के किसी भी कोने में जब क्रिटिकल बात आती है तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य कहता है यार एक बार अहमदाबाद दिखा लो ना। तो ये चमत्कार है सब आप लोगों का, ये क्रेडिबिलिटी पूरे देश में आप लोगों ने बनाई है। आपके प्रति ये विश्वास आसपास के 5 राज्यों का है कि अहमदाबाद में एक बार दिखा लो, इसका मतलब उन्हें आशा है कि वहां जाएंगे तो कोई सुनवाई होगी, कोई इलाज हो जाएगा, और ये होता भी है। मेरा तो एक्चुअल में ससुराल भी अहमदाबाद है तो इसलिए मैं बड़ा अच्छे से परिचित हूं साहब। पूरे परिवार में आसपास की 7 पीढ़ियों के रिश्तेदार मुझे फोन करते हैं कि यार एक बार तेरा ससुराल ने कह देना मोटा कुशा डॉक्टर ने, बढ़िया डॉक्टर ने दिखाई। तो ये विश्वास हमारा अहमदाबाद या गुजरात के प्रति है, और इस विश्वास को आप लोगों के अलावा मैं बधाई दूंगा नितिन भाई को, इस गुजरात की सरकार ने भी मेंटेन किया है। पिछले 20 सालों में 25 सालों में जिस प्रकार से गुजरात की गवर्नमेंट ने मेडिकल के क्षेत्र में काम किया है, जिस तरीके से गरीब और गांव और छोटे खेड़े तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई है, उसके लिए नितिन भाई आपको विशेष तौर पर बधाई का पात्र मानता हूं और आपको बधाई देता हूं। सरकार और डॉक्टर्स दोनों के बीच में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। गुजरात में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स आला दर्जे के, और उससे बेहतर सरकारी जो अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बेहतरीन तरीके से, उसका परिणाम है कि मेडिकल जगत में गुजरात का नाम है, अहमदाबाद का नाम है, गांधीनगर का नाम है। तो उसके लिए मैं यहाँ की सरकार और आप सब डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी कॉन्क्लेव चल रहा था लगभग 1.5 घंटे, कुछ हिस्सा मैंने भी सुना, तो कॉन्क्लेव से जो मंथन निकल करके आया वो यही था कि किस तरीके से हमारे जीवन को और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए। मैं आशा करता हूँ दीक्षित भाई से कि इस आयोजन, इस प्रकार का आयोजन हर साल आयोजित होगा, और हर साल हम हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो गुजरात के मेडिकल जगत को है वो देंगे, और गुजरात के श्रेष्ठ डॉक्टर्स को ढूंढ करके उन्हें सम्मानित करेंगे। जो लोग सम्मानित हो रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, और उसके अतिरिक्त जितने भी डॉक्टर जिन पर हमारी नज़र नहीं जा पाई वो सभी लोग सम्मान के योग्य हैं। उन सबको भाई मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग इस आयोजन में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।